भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO स्पेस में इतिहास रचने में अब कुछ ही कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच चांद के उस हिस्से को छूने वाला है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। भारत सहित पूरी दुनिया को आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। आज की तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम 5:45 पर चांद की ओर बढ़ना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर इसरो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और चांद पर चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। चांद पर पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कई चुनौतियां हैं। इसरो का दावा है कि सुरक्षित लैंडिंग के इंजाम है। इसरो की उम्मीदें अपनी जगह है, लेकिन चंद्रयान 3 से करीब 1 महीने बाद निकला रूस का लूना 25 चांद पर क्रैश कर गया। करीब 47 साल बाद मिशन मून पर निकले रूस को ही नहीं पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को झटका लगा। लूना 25 के लॉन्च पर इसरो ने रूस को बधाई भी दी थी। वहीं भारत का चंद्रयान 3 अगला इम्तिहान देने वाला है। भले ही रेस में अब सिर्फ भारत रह गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश को अब तक सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी नहीं मिली है, लिहाजा भारत के लिए भी चुनौती बड़ी है।